अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा। और आज हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन वन डायमेंशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिहाज से। दो सवाल आपके पास लाजमी आएंगे, इसमें से एक न्यूमेरिकल होगा और दूसरा आपके पास कॉन्सेप्चुअल थ्योरी हो सकता है। लेकिन आपने इसको तैयार इस तरीके से करना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए और उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर आपके पास बेसिकली मोशन और रेस्ट से डील करता है। देखें, मोशन में कोई भी चीज़ होती है तो उसका ये मतलब होता है कि वो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रही है, चेंज कर रही है। रेस्ट का ये मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की, कि एक ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन मोशन इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इट्स डायमेंशन। ये पॉइंट याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन की तीन डायमेंशन होती है, 1, 2, 3, ये डायमेंशन है हमारे पास। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, यानी जो एक डायमेंशन के अंदर सिर्फ पॉसिबल होगी। उसके बाद आपके पास कोर्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि टू डायमेंशन आपके पास होती है, सही। 3D का कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास फिजिक्स के अंदर इतना नहीं है, लेकिन जिस फिर भी इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ डेफिनेशन हैं इसके अंदर, जैसे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो आपको क्या बताती है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आपको डायरेक्शन के साथ बताती है। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यानी जो 5 किलोमीटर नॉर्थ की साइड पे हुई है वो आपके पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। इनके यूनिट्स देख लीजिएगा, ये आसान है वैसे। अगेन, स्पीड, स्पीड का न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। भाई, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक हो गया। या वेलोसिटी से स्पीड निकालनी हो तो भी आप निकाल सकते हो, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशंस आपको हर चीज़ की आनी चाहिए, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है इसका। यूनिफॉर्म, किसी भी चीज़ से पहले अगर यूनिफॉर्म लगा हुआ है तो यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम हो गया। नॉन यूनिफॉर्म, नॉट सेम, या फिर वेरिएबल हो जाएगा वो। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि ऐसी स्पीड जो कि हर डिस्टेंस पे इक्वल है। फॉर एग्जांपल, 3 पॉइंट्स आपके पास, ए, बी और सी, तो इन तीनों पे जब आप चेक करोगे अगर स्पीड सेम है तो आपके पास क्या होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्पीड डिफरेंट होगी हर जगह पे तो वो आपके पास वेरिएबल स्पीड हो जाएगा। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसके न्यूमेरिकल हैं किताबों के अंदर। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ इंस्टेंटेनियस ही टर्म आ गई हमारे पास। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर पूछ लिया जाए बिफोर कंप्लीशन, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, ठीक है। अगेन, वेलोसिटी स्पीड में अगर आप डायरेक्शन लगा दो तो ये वेलोसिटी बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका डायमेंशन आप लोगों को आती है, सही। अगेन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म तो आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, जब भी किसी टर्म से पहले रिलेटिव की टर्म यूज हो जाए तो इसका ये मतलब होता है कि अब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, यानी कंपेरिजन करोगे आप उन दोनों का, ठीक है। एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन याद रखें, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कह रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिटार्डेशन का ये लिखी हुई टर्म इसका यूज करता है। इसके अलावा जीरो एक्सेलरेशन भी होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होती है हमारे पास, ठीक है। नाउ फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास। ये फॉर्मूलाज आपको याद तो होंगे, एक बार फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे u से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और vf से मुराद है v, जो यहाँ पे इन्होंने गिवन दिया हुआ है। बाकी s से डिस्टेंस हो गया, t फॉर टाइम, एंड इसके अलावा a फॉर एक्सेलरेशन है, ये सेम है सब में। तो जस्ट ये तो आपके पास तीन लॉज हो जाएंगे, 1, 2, 3, और ये आपके पास अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें, कोई न्यूमेरिकल आता है आगे तो हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अगर ये टर्म
ये सारी बात अगर ग्रेविटी के ऊपर हो जाए, तो आपने क्या करना, जस्ट ए को जी से रिप्लेस कर दें और आंसर आ जाएगा आपके पास। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि सर जी को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, हमेशा आपको ये सवाल मिलेगा सर पॉजिटिव लें नेगेटिव लें। भाई इसको तो अभी आप कंसिडर करो ही नहीं, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे बेटा पेपर के अंदर, सही है। मुझे फिर मैसेजेस कर रहे होंगे कि सर ये बता दें या आंसर नहीं, चार ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं। आप एक काम करना, पहले जी को पॉजिटिव लेके पुट कर लेना, आंसर आए तो ठीक है, वरना नेगेटिव लेके पुट कर लेना उसको, सिंपल है। तो इस चीज़ में अगर आप फंस गए, 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास सिर्फ, अगर इसी चीज़ में आप फंस गए कि कैसे होगा, तो फिर तो मामला बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए, सही। अच्छा अब स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कोई शॉर्ट फॉर्मूला, तो देखिए एक शॉर्ट फॉर्मूला इसका ये है, नोट डाउन कर लें, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम जो होगा आप कैसे निकालोगे, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से या गया टाइम या गया मैक्सिमम, ये नोट डाउन करने, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आपको पूरे बड़े फॉर्मूलाज की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लें। तो ये सारे अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैंने डाल दिए थे जो पेपर में रिपीट होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लेंथ होता है, और ये पढ़ लें। इसके अलावा इन सारे की पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके अभी तक हमने जितना पढ़ा, हम कोशिश करते हैं उसको सम अप कर लें इन सवालों के अंदर। सवाल सॉल्व आपने ही करना है, जस्ट थोड़ा सा बता दूं क्या क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोइंग बाय द पार्टिकल। सेकंड, अ मूविंग बॉडी इज कवरिंग डिस्टेंसेज इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ टाइम अलॉन्ग द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन डरना नहीं है, आगे मैंने इनके आंसर भी दिए हैं, तो सॉल्व करिएगा फिर आंसर देखिएगा इसका, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अ साइक्लिस्ट स्पीड अप एट अ कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट की बात करें फ्रॉम रेस्ट, देखें रेस्ट की बात करें तो वी आई आपके पास क्या हो गया, 0 to 8 meter। अब जब वी आई 0 हो गया तो वी एफ आपके पास क्या हो जाएगा, दिस। ये क्या गिवन है आपके पास, टाइम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। अब मैं चेक करूंगा कि तीनों इक्वेशन में से मेरे पास डेटा मुझे किसका गिवन है। जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा यार ये वी एफ दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और मुझे एक्सेलरेशन और टाइम पता है। तो मैं जैसे इसके अंदर अपना डेटा पुट करूंगा और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। नो यूनिट कन्वर्जन, नथिंग, जस्ट इसके अंदर आपने पुट करना है और मुझे बताना है कि आंसर आपका यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 meter per second square, एक्सेलरेशन आ गई एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ये मैंने जो इंस्टेंटेनियस में बात की थी ना बेटा, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज होती है, तो ये सर्टेन इंस्टेंट इज 9.6 meter per second। तो कह रहा है भाई एक वेलोसिटी गिवन है। सवाल पढ़ के मुझे नहीं पता कि ये वेलोसिटी फाइनल है या इनिशियल है, ठीक है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी 2.5 seconds अर्लियर, यानी ये इनिशियल पूछ रहा है अब आपसे और फाइनल आपको दे दिया उसने, यानी ये वी एफ हो गया आपके पास, ठीक है। आप क्या करोगे, अगेन चेक करो उसने ना, इसने डिस्टेंस की बात की ना हाइट की बात की, तो अगेन आप यूज कर लो इसके अंदर फॉर्मूला वी एफ स्क्वायर, नहीं वी एफ स्क्वायर से भी नहीं करोगे आप इसको, ज़्यादा आसान आपके लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ही लगाओ उसको, फर्स्ट से हो जाएगा ये, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इससे सॉल्व करके देख लो, वी आई निकालना है आपने बस, इसको वहाँ ले जाएंगे आप, नीचे इसका सोल्यूशन छोटा सा मौजूद है, तो अपना सॉल्व करके आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। थर्ड, अ कार ब्रेक्स फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको क्या दे दिया इसने, इसने आपको दो, एक वी आई हो गया एक वी एफ हो गया आपके पास, ठीक हो गया। ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट यानी एस भी दे दिया, वॉट इज इट्स एक्सेलरेशन। अब जब भी आपके पास एस मौजूद है, ये दोनों मौजूद है, तो एक ही फॉर्मूला, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं सर जब हम किलोमीटर पर आवर को, अच्छा क्या कन्वर्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि आपकी जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें किलोमीटर पर आवर को जब आप अगर कन्वर्ट करोगे मैनुअल मेथड से तो बहुत टाइम लगेगा आपको। एक बात याद रखें, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 0.1
2.77 मीटर पर सेकंड के। बस ये रिलेशन याद रखें, कुछ भी आए इससे आप सॉल्व कर लें। ये मीटर पर सेकंड इस पे भी जा सकता है, किलोमीटर पर आवर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो उससे। तो अब आपने वो नहीं करना 3600 से कर रहे हैं कुछ डिवाइड बाय 100 करें, नहीं, शॉर्ट रखें, सिंपल रखें, ऐसे न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है आपने। सही है। अच्छा, कोशिश ये की थी कि मोशन से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दूं। कुछ सवालात मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं इसके, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद इनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। तकरीबन 33 क्वेश्चंस आ गए आपके पास, और 33 के 33 का सलूशन भी यहाँ पे हमने मौजूद है इसके अंदर, तो आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लें आप व्हाट्सएप पर। तो ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक बात और बता दूँ कि इसके अंदर दो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, और इसके अलावा न्यूमेरिकल है। देखिए, न्यूमेरिकल तो आप कर लोगे, फॉर्मूलाज आपको मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने चैप्टर स्टार्ट किया, आपको स्पीड की डेफिनेशन पता चल गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आप चेक करते रहो कि पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी डेफिनेशन इन्होंने गिवन की हुई है, उन सारी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख लो, एंड देन फिर न्यूमेरिकल के ऊपर आओ। क्योंकि देखो, दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके।